हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स चैम्प पे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने करा था टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर हमने करा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर करा था हमने टोटल कॉस्ट। आज हम टोटल से एवरेज पे आ गए हैं। आज हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट्स के बारे में। एवरेज कॉस्ट तीन तरीके की होती हैं। पहला एवरेज फिक्स कॉस्ट, दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा एवरेज कॉस्ट। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब सिंपल से याद रखना, एक यूनिट का कॉस्ट। एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है उसे हम कहेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दो यूनिट बनाने का जो टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा आ रहा है वो 10 रुपये आ रहा है। दो यूनिट बनाने का टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना होगा। तो आप सिंपल क्या करोगे, 10 / 2, और खुल के बताओगे मुझे कि भैया 5 रुपये में एक यूनिट बन के तैयार हुआ है। दो यूनिट का खर्चा 10, तो एक यूनिट का 5। तो जो एक यूनिट का खर्चा आया है वही हमारा कहलाता है बेटा एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मींस पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट। इधर आओ एक बार और देखते हैं। तीन यूनिट बनाने का खर्चा कितना है बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा 10। तीन यूनिट बनाने का टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा 10, तो एक यूनिट का कितना है 10 / 3, 3.33। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन भी कुछ ऐसे बनती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मींस पर यूनिट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि एक यूनिट पर यूनिट का मतलब एक यूनिट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आगे देखते हैं, चार यूनिट बनाने का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 10, तो एक यूनिट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा 10/4, कितना आ गया बेटा 2.5। पांच यूनिट बनाने का टोटल फिक्स कॉस्ट 10, तो एक यूनिट बनाने का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर बेटा, यहां तक डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। और एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से क्या करते हुए चलना है, डिवाइड करते हुए चलना है, तो बेटा हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? चले आगे, नेक्स्ट आता है बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसे बनेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बेटा, जो ये पॉइंट्स है इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाने में बड़ी आसानी होगी। चलो देखते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट, OUTPUT आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हमने लिया एवरेज फिक्स कॉस्ट। कोई दिक्कत? आउटपुट देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, और एवरेज फिक्स कॉस्ट मैक्सिमम 10 है, तो हमने यहाँ पे 2-2 का गैप ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10। एक पे कितना है एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 है, देख सकते हो एक पे 10, दो पे बेटा 5 है, तो देख सकते हो 2 पे 5, 3 पे बेटा 3.33, 3.33, 4 पे 2.5, और 5 पे हमारा 2 है। इन सभी पॉइंट्स को ABCDE, इन सभी पॉइंट्स को जैसे ही मैंने मिलाया तो एक कॉस्ट मिला मुझे, जिसे हम कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व देख सकते हो बेटा, ये लगातार नीचे की तरफ स्लोप डाउनवर्ड बनता जा रहा है। तो एक बच्चे ने पूछा कि भैया कभी क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है क्या, तो मैंने कहा नहीं बेटा, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो उसने कहा क्यों नहीं हो सकता जीरो, तो मैंने कहा बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, तो बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करो तो जीरो आता है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो ही नहीं होगा, तो बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट पे कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी ये कभी एक्सेसेस को टच नहीं करेगा। और दूसरी बात बेटा, तीन नंबर में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो AFC है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप क्यों लेता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके पीछे बेटा एक रीजन है। अगर पॉइंट ए के बारे में बात करें तो इसका जो एरिया है देखो कितना आ रहा है, इसका एरिया 10,
इंटू एक, एरिया कितना आ गया बेटा 10, 10 इंटू एक। बी पॉइंट का एरिया देखो ये है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। थर्ड पॉइंट पे एरिया 3.33 इंटू 3 10। यानी इन सभी पॉइंट्स के अंदर के एरिया को अगर हम निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा बेटा सेम 10 10, यानी कांस्टेंट। इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप लेता है। तो देख सकते हो एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज एरिया अंडर एएफसी कर्व रिमेन्स सेम, सेम का मतलब कांस्टेंट, देख सकते हो 10 10 10 10 एट डिफरेंट पॉइंट्स। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को भी? तो यहाँ तक नोट करो और नोट करने के बाद हम अगला टॉपिक करेंगे एबीसी। तो बेटा अभी अभी हमने एक टॉपिक खत्म करा एएफसी, और देख सकते हो मैंने यहाँ से रब भी कर दिया एएफसी क्योंकि एक टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी। बेटा बड़ा इजी टॉपिक है जैसा एएफसी था। एएफसी में हमने देखा पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट इज नॉन एज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इसमें भी कुछ ऐसी डेफिनेशन बनती है पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट का मतलब एक यूनिट का जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं बेटा इधर देखो जरा, दो यूनिट बनाने का जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना आ रहा है 18। तो जो बेटा पढ़े लिखे इंसान हो वो मुझे बताएंगे जरा कि दो यूनिट का जो खर्चा है वो 18 रुपया आ रहा है। कौन सा कॉस्ट है बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक यूनिट का कितना होगा यहाँ पे? तो कितना बेटा? हाँ बिल्कुल सही, कितना 9 रुपया आएगा। कैसे निकाला बेटा? 18 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो एक यूनिट का जो खर्चा आ गया 9, इसको हम कहेंगे बेटा ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब एक यूनिट का खर्चा, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीन यूनिट का खर्चा 24, तो एक यूनिट का बेटा कितना हो जाएगा 8। चार यूनिट का खर्चा बेटा 28, तो एक यूनिट का 7। कैसे निकाल रहे हैं बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। कोई दिक्कत बेटा? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन याद हो गई कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट का जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ए बी सी इज इक्वल टू टी बी सी अपॉन में क्यू। जरा इसके कर्व की तरफ देखते हैं बेटा। नीचे हमने लिया एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे लिया हमने ए एफ सी। पहले यूनिट में कितना है बेटा ए बी सी? 10। तो पहले यूनिट पे ए बी सी 10 देख सकते हो। दूसरे यूनिट पे बेटा 9, तो दूसरे यूनिट पे बेटा ये रहा 9, यहाँ पे 9। तीसरे यूनिट पे बेटा 8, तो देख सकते हो तीसरे यूनिट पे 8। चौथे पे बेटा 7 और पांचवे पे भी 7, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया है बेटा। और कांस्टेंट के बाद फिर क्या होने लग गया है? बढ़ने लग गया है। तो ए वी सी का जो शेप होता है बेटा वो यू शेप बनता है। क्यों? क्योंकि बेटा पहले ये क्या होता है? फॉल होता है, देन कांस्टेंट, देन स्टार्ट टू राइज। इट हैपन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। किसकी वजह से होता है बेटा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से होता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अच्छा फिर से एक बार सुन लो। तो बेटा ए बी सी इज यू शेप्ड कर्व एज इनिशियली फॉल्स, पहले क्या होता है बेटा? ये फॉल होता है एंड देन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देख सकते हो 7 7 कॉन्स्टेंट हो गया फॉर अ वाइल, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इट हैपन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जब पढ़ाया था तो बेटा अगर तुम्हें याद हो तो पहले स्टेज में एम पी बढ़ता है। जब एम पी बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बेटा जो ए वी सी होगा वो फॉल होगा, ठीक है। जब दूसरे स्टेज में एंट्री मारते हैं तो हमारा क्या होने लगता है बेटा? एम पी गिरने लगता है। तो एम पी जब गिरेगा तो ये कॉन्स्टेंट होके फिर क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलो बेटा जब तक नोट करो, फिर इसके बाद हम इसे अगला टॉपिक करेंगे। तो बेटा अभी अभी अब हमने खत्म करा एक टॉपिक छोटा सा जिसका नाम था एबीसी। अब का जो टॉपिक है हमारा वो है लास्ट टॉपिक एसी। बेटा सेम वही रहेगा जो हमने अभी
एवीसी और एएफसी की डेफिनेशन करी थी। पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट एएफसी का था, एवीसी का पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो एसी का जो डेफिनेशन है पर यूनिट टोटल कॉस्ट, यानी 5 यूनिट का जो खर्चा है टोटल कॉस्ट का, तो देख सकते हो बेटा 45 है। 5 यूनिट बनाने का टोटल कॉस्ट जो है वो 45 है। और टोटल कॉस्ट में हम देख सकते हैं 2 कॉस्ट इंक्लूड है। पहला बेटा फिक्स कॉस्ट जो कि 10 है, और वेरिएबल कॉस्ट जो कि बेटा कितना है 35 है। और इन दोनों को मिला के कितना 45, कितने यूनिट के लिए बेटा 5 यूनिट के लिए। तो 5 यूनिट का खर्चा कितना आ गया 45, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना आएगा, पढ़े लिखे इंसान बताओ। तो 45 अपॉन में 5, हाँ बेटा बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, कितना आएगा 9। तो पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट टोटल कॉस्ट। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन में क्यू, देख सकते हैं इस तरह। टीसी कैसे निकालेंगे हम, टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। तो इन दोनों को ऐड करते गए, और ऐड करने के बाद हमारा टीसी, और एसी निकालने के लिए टीसी अपॉन में क्यू, 10 अपॉन में 0 इन्फिनिटी, 20 अपॉन में 1 20, 28 अपॉन में 2 14, 34 अपॉन में 3 11.33। तो ऐसे हमारा क्या आ जाता है बेटा, एसी निकाल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब बेटा एसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम जरा। तो इन पॉइंट्स को, एसी को हमने ले लिया वाई एक्सेस पे, और आउटपुट को लिया हमने एक्स एक्सेस पे। तो पहले यूनिट पे जो देख सकते हो एसी कितना है 20, दूसरे यूनिट पे 14, देख सकते हो 12 और 14 के बीच में, तीसरे यूनिट पे बेटा 11.33, तो 12 के ऊपर थोड़ा सा 11.33, देन 9.5, देन 9, देन 9.66। यानी इनिशियली जो बेटा एसी वो गिरेगा, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे, और इसके बाद ये क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। एसी भी कैसा शेप ले रहा है, यू शेप ले रहा है। एसी का जो शेप है यू शेप है, इट हैपन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एसी कर्व इज यू शेप्ड कर्व शेप्ड एज इनिशियली फॉल्स, सॉरी एज इट इनिशियली फॉल्स आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट, देन स्टार्ट राइज। इट हैपन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पहले स्टेज में अगर हम एंट्री करें, फर्स्ट फेज में, तो एम पी हमारा बढ़ रहा होता है। जब एम पी बढ़ेगा तो बेटा ए सी हमारा क्या होगा, गिरेगा। जब एम पी घटेगा तो ये मिनिमम पे, और जब एम पी नेगेटिव में चला जाएगा तो ये ए सी बढ़ना शुरू कर देगा। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो हमने अभी देखा ए सी भी यू शेप्ड और ए बी सी भी यू शेप्ड, तो दोनों में फ़र्क क्या है, अभी हम फर्क करेंगे। जब तक के लिए बेटा ये पहले ये नोट करो, उसके बाद हम ए एफ सी ए बी सी और ए एफ सी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे। अभी इसको नोट करो, इसके बाद ये टॉपिक करते हैं। तो बेटा अभी अभी हमने ए एफ सी ए बी सी और ए सी तीनों पॉइंट खत्म करें। अब जरा तीनों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन इन पॉइंट से आ सकते हैं। पहला ए सी, देख सकते हो ए सी जो है ए बी सी और ए एफ सी दोनों के ऊपर है, यानी ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी सी एंड ए एफ सी, बिकॉज ए सी इज द समेशन ऑफ ए एफ सी एंड ए बी सी। तो ए सी जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ए बी सी से और ए एफ सी से। क्यों, क्योंकि ए सी जो है ए एफ सी और ए बी सी के दोनों का एट समेशन है, जोड़ है। पहला, तो ए सी कर्व विल ऑलवेज अबव द ए बी सी कर्व, बिकॉज ए सी एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स बोथ ए बी सी एंड ए सी। तो बेटा ए सी AFC, तो AC जो है उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है, AVC भी और AFC, इसलिए AC हमेशा AVC और AFC के ऊपर बनता है। देखो बेटा यहां से देखते हैं जरा, ये AC यहां पे है और AVC यहां पे है, दोनों के बीच का गैप पहले बहुत ज्यादा है, देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इन दोनों का बीच का गैप कम होता गया। ऐसा क्यों होता है, क्यों,
क्योंकि एसी और एवीसी का बीच का गैप जो है वो कौन है, एएफसी है। और बेटा एएफसी के टेबल में जाके देखना, एएफसी हमेशा गिरता रहता है, कम होता रहता है, इसलिए इन दोनों के बीच का गैप भी हमेशा क्या होता रहेगा बेटा, कम होता रहेगा। तो एज आउटपुट इंक्रीज द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी कर्व डिक्रीजेस, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट हैपन्स बिकॉज द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी इज एएफसी, क्योंकि बेटा एसी और एवीसी के बीच का गैप कौन है, एएफसी है, जो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? एक टॉपिक और छोटा सा पॉइंट जो कि लिखने के लिए जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं समझा देता हूँ। बेटा अगर एवीसी को देखे तो हम यहीं तक गिर रहा है और इसके बाद ये क्या होने लग गया, इंक्रीज हो रहा है, बट एसी कंटिन्यू यहाँ तक गिर रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एएफसी कंटिन्यू फॉल हो रहा है और एएफसी कंटिन्यू फॉल होने की वजह से एसी लंबे टाइम तक गिरता है और एबीसी शॉर्ट टर्म के लिए गिरता है। तो बेटा यहीं तक इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जो क्लास में है बेटा उनको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात बेटा, जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस कैसी बन रही है, कोई कमी है तो वो बताएं, फिर हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और बेटा अगली क्लास में हम रिलेशन करेंगे एसी एमसी, एसी एवीसी और टीसी एमसी में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अगली क्लास में।